नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना क्लासरूम ज्ञान अभियान। चलिए आज इस वीडियो में सीखते हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो हमें बताना है कि क्या फ्रैक्शन होगा वॉल्यूम का अर्थ का मून से। सबसे पहले क्या दे रखा है, मून का जो डायमीटर है वो 1/4 है अर्थ से, अर्थ के डायमीटर से 1/4 है मून का डायमीटर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लेते हैं। लेट करते हैं, लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे डायमीटर हमें मानना है। अब जो क्वेश्चन दे रखा है इस तरह से हम लोग मान लेते हैं कि फ्रैक्शन में ना आए तो ज्यादा बेहतर होगा, कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। आप इस पर कुछ भी मान सकते हैं, तो मैंने मान लिया 8x, ठीक है। आप सिर्फ x भी मान सकते हैं, अगर x मानेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, हमने 8x माना है तो थोड़ा आसान हो जाएगा। आगे आप जो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो रेडियस क्या हो जाएगा, देन द रेडियस ऑफ द अर्थ इक्वल टू, ये हो जाएगा 8x अपॉन में 2 इक्वल टू हो जा रहा है ये 4x। एंड क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4। तो डायमीटर ऑफ द मून क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द मून इक्वल टू 1/4 मतलब 8x अपॉन में 4 इक्वल टू ये हो जाएगा 2x। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द मून इक्वल टू ये हो जाएगा 2x अपॉन में 2 इक्वल टू सिर्फ x, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए इस वाले को हम लोग कैपिटल R से डिनोट कर लेते हैं, और इस वाले को क्या करते हैं स्मॉल R से डिनोट कर लेते हैं। ये स्मॉल R इक्वल टू ये हो गया और कैपिटल R इक्वल टू ये हो गया। तो अब यहां पर आगे लिखेंगे क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू ले लेना है वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन में यहां पर ले लेना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ मून का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 और पाई, और आर अभी हमारे पास यहां पर क्या है, आर हमारे पास एक्स है तो एक्स के ऊपर पावर 3, और इसी तरह से हो जाएगा 4/3 और पाई, और इसका क्या है तो ये हो जाएगा 4x के ऊपर पावर 3। तो ये और ये कैंसिल हो जा रहा है तो हमारे पास बच रहा है x के ऊपर पावर 3, और नीचे क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64x के ऊपर पावर 3। तो ये x के ऊपर पावर 3 से x के ऊपर पावर 3 कैंसिल हो जा रहा है तो हमारे पास बच गया ये 1/64, ठीक है। तो ये हो गया 1/64 और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमें ये चीज ये सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो गई अगर हमने ऐसा लिया तो। आप कैसे भी ले सकते हैं, मानने वाला क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।